organizing new information uh, when you will introduce a new concept in front of your students then you need to introduce it in a new way uh, if you are typically writing the topic on the board and students asking your students to see that uh, what is the topic of today for today's uh, discussion so usse ek uh, class kendra johaye routine रूटीन में बच्चे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते तो ऑर्गेनाइजिंग न्यू इन्फॉर्मेशन जब आपने एक नई इन्फॉर्मेशन बच्चे को प्रोवाइड करनी है तो मेरा ख्याल है कि उसका आगाज़ भी जो है लेसन का वो भी एक इनोवेटिव वे से आपको करना चाहिए हो सकता है आप सबसे पहले जा के पूछते हो कि कल जो हमने पढ़ा था कैन यू टेल मी वट वॉज इट तो बजाय इसके पूछने के आप कोई जोक जो है कोई उससे अपने लेसन से रिलेटेड जो है वो उसको रेलिवेंट सुना सकते हैं बच्चों को उनको मेंटली और फिज़िकली जो है रेडी uh, करने के लिए या फिर बच्चों से जो है वो कोई कल का वाक्य सुन लें कोई इंपॉर्टेंट काम उन्होंने घर में क्या किया है इससे बच्चे जो है उनकी अटेंशन भी आती है और वो लेसन की तरफ जो है वो ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हैं सो द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो देन यू कैन ऑर्गेनाइज़ योर न्यू इन्फॉर्मेशन सो वट टेक्निक वुड यू यूज़ टू जस्ट इंट्रोड्यूस न्यू इन्फॉर्मेशन यू आस्क योर स्टूडेंट्स

इस पूरे लेसन के अंदर जो है ये इसका इंट्रोडक्शन है ये इसका बॉडी पार्ट है ये इसका कंक्लूजन है इससे जो है बच्चों को एक ऑर्गेनाइजेशन मिलती है और वो अपनी इन्फॉमेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सो so, नई को कोप हैजर्डली बच्चों को बताने की बजाय अगर हम उसको आउटलाइन कर लें उसको फ्रेम कर लें कि हमने इसको तीन दिन में ख़त्म करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे फिर दरमियान में इसके दूसरे दिन क्या होगा तीसरे दिन क्या होगा इसमें बच्चों की एक्टिविटी क्या होगी इसमें बच्चों की पार्टिसिपेशन जो है वो किस सूरत में होगी क्या आप उनको कोई असाइनमेंट देंगे या बच्चे जो हैं वो आप उनसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे या इन इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई ऐसे राइटिंग जो है वो बच्चे करेंगे ये पूरी एक लेसन की आउटलाइनिंग जो है ये आप जो है पूरा एक ऑर्गेनाइज तरीके से नई इनफॉर्मेशन बच्चों तक पहुँचाते हैं हमेशा अपनी एक आउटलाइन ज़रूर बनानी चाहिए हर टॉपिक की कि उसके अंदर कितनी थेरीज़ इंक्लूडेड हैं कितना काम है ये नहीं कि आज एक थेरी पढ़ाई तो कल आप दूसरा टॉपिक शुरू कर दें इस तरह बच्चे कभी भी उनकी जो रिटेंशन है वो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती सो आउटलाइनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू कॉन्सेप्ट और टू ऑर्गेनाइज़ योर इंफॉर्मेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट